हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे आपको एडमिशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर वेरियस कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा जल्दी ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्ट कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री आपको असेसमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी हैज़ बीन फाउंडेड इन द ईयर 2008 एज ए कंट्री यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन of the regional journal and of Mehboob Nagar, a quartier in particular। तो ये जो आपका पल्लम मुरु यूनिवर्सिटी है वो आपका फाउंडेड किया गया था 2008 ईयर्स में हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पे आपको दिया गया है द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अप्रूव्ड by the University Grant Commission। तो ये यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अप्रूव किया गया था। और यहाँ पे दिया गया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं, रिसर्च लेवल कोर्स हैं यहाँ पे। तो नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जल्दी रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, UPS यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो अगर आपको लेना है, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड हैं, आप MSc हैं, MA है, MCOM है और MPharma है, MSW है, MEd है, MBA है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ पे आपका DPharma है और BPharma है। और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है, PG कोर्स के लिए आपका टेस्ट होगा OU PGCET का। और अगर आप MBA के लिए टेस्ट यहाँ पे बेस रहेगा, किस के बेस पे एडमिशन होगा यहाँ पे दिया गया है TSICT के बेस पे आपका एडमिशन होगा यहाँ पे MBA में। और स्पेलाइजेशन दिया गया है फ्रेमवर्क में MSc और MA प्रोग्राम में स्पेलाइजेशन है। और PhD में आपका है केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, इंग्लिश से, कॉमर्स से एंड फिजिक्स से। इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट हैं, डेट्स हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका अगस्त में रिलीज़ होगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सितंबर में होगा। ये डेट कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ मंथ के नाम दिए गए हैं। तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेट आएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज वेबसाइट पे जाके अपना डाउनलोड कर लेना है एंड फिल कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे द कैंडिडेट नीड टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको हैंड राइटिंग प्रॉपरली अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे वो आपको वेरीफाइड कर लेने हैं। और 700 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे पोस्ट कर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक्स एएस एक्नॉलेजमेंट
कार्ड और आपका OUP CET का रैंक कार्ड या फिर एडमिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, आपका फीस पे का और एप्लीकेशन फॉर्म और आपका फोटोकॉपी, आपका 10th 12th और डिग्री सर्टिफिकेट का, और यहाँ पे आपका प्रिंट, यहाँ पे ICR समरी सीट आपको चाहिए आपका, विच इज़ नॉट बी प्रिंटेड और विथ द टैग टू देन अप्लाई। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप पोस्ट करने हैं। और यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका बी फार्मा के लिए, डी फार्मा के लिए दिया गया है कोर्स एलिजिबिलिटी आपकी, तो इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका मेरिट बेस पे होगा, TSEAMCET के बेस पे आपका यहाँ पे, मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। MSc का दिया गया है, MA का दिया गया है, स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे MSc का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और MA का इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, और इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया OUP GCET क्वालिफाइड होना चाहिए। और MCOM के लिए दिया गया है, यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए दिया गया है, PhD में आपका केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, फिजिक्स और 12th पास होना चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका OUP CCET क्वालिफाइड होना चाहिए। और आपका इंटरव्यू बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट की, रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा UGPG सभी कोर्सेज के लिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट हुआ और एडमिट कार्ड हुआ, कोई भी अनाउंसमेंट हुई तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट हु डिजर्व द रिवेलेंट टू द हायर रिगार्ड आंसर स्क्रिप्ट आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिज्यूम फॉर्म, स्टूडेंट हैव टू सबमिट 300 रुपीज फॉर इस स्क्रिप्ट थ्रू DD। तो आप अगर स्क्रिप्ट जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 300 रुपीज़ आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना और एडमिशन के लिए चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी लगेगा और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पे भेजना रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है बी फार्मेसी के लिए आपका अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ पे डी फार्मा के लिए एंड डिप्लोमा के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे और क्या होना चाहिए, TSEAMCET एंड डी फार्मा के लिए आपका यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे। और यहाँ पे आपका MSc MA MCOM के लिए आपका OUP GCET आपका क्लियर होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है, इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे MEd कोर्स के लिए आपका 50% होना चाहिए BEd में या फिर BA में या फिर BEd में BSc में, तो आपका 50% होगा तभी आपको MEd में यहाँ पे कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे PhD के लिए दिया गया है, PhD के लिए आपका इंटरव्यू होगा और OUP CET आपका क्लियर होना चाहिए उसमें अच्छे मार्क्स से। और यहाँ पे PhD में आपका केमिस्ट्री है, माइक्रो बायोलॉजी है, इंग्लिश कॉमर्स है और आपका यहाँ पे फिजिक्स है, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल्स, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।